दोस्तों, अगर आप एक डेलकैम प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको डेलकैम में कटर बनाते आना चाहिए। तो डेलकैम में किस तरह के कटर बनाते हैं और कैसे कटर बनाते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कटर बनाने के लिए या फिर टूल बनाने के लिए आपको जाना पड़ता है टूल्स में। ये देखिए, यहाँ पर टूल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट टूल। इसके बाद में अगर आपको एंड मिल बनाना हो तो यहाँ पे आप एंड मिल पे क्लिक कीजिए। अगर बॉल नोज बनाना हो तो बॉल नोज पे क्लिक कीजिए। अगर आपको टिप रेडियस या मतलब बुल नोज कटर बनाना हो या फिर टिप रेडियस वाला कटर बनाना हो तो आप टिप रेडियस पे क्लिक कीजिए। अगर आपको ड्रिल बनाना है तो आप ड्रिल पे क्लिक कीजिए। तो पहले हम बनाएंगे एंड मिल, तो मैंने एंड मिल पे क्लिक किया है। अभी एंड मिल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक विंडो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। तो इसमें आपको सिंपली पहले डालना है कटर का नाम, जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पे D10.0 का एंड मिल, और बाद में लेंथ इसकी 100 mm, डायमीटर 10 mm और टूल नंबर 1। ओके, बाद में हम बनाएंगे होल्डर। तो होल्डर बनाते वक्त आपको ध्यान में रखना है होल्डर की लेंथ 50 mm, या फिर आप इससे पहले 25 कीजिए, बाद में 45, सॉरी 45, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 35। ओके, और बाद में प्लस कीजिए। और ओवर हैंग मतलब ये हमारे होल्डर के बाहर कितना है इसे हम बोलेंगे ओवर हैंग। तो ओवर हैंग हमने लगा है 45, तो हम यहाँ पे 50 कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा हो चुका है एंड मिल बन के रेडी। तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा एंड मिल रेडी। तो इसे अगर आपको शेडेड बनाना हो, शेडेड मतलब सॉलिड, तो क्या करेंगे आप, सिंपली यहाँ पे जाएंगे टूल्स में, राइट क्लिक करेंगे और आप शेडेड पे क्लिक करेंगे। ये देखो, ये हो चुका है शेडेड। ओके, तो कुछ इस तरह से हम एनिमल्स बना सकते हैं। अगर आपको ड्रिल बनाना रहा तो सेम है, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे जाके, यहाँ पे आप ड्रिल बनाएंगे, यहाँ पे ड्रिल का डायमीटर डालेंगे, ड्रिल समझिए भी 10 mm का 10.0, ये एक नंबर का टूल। बाद में यहाँ पे लिखेंगे आप D10.0 ड्रिल। ओके, ये हो गया ड्रिल का। ड्रिल को भी होल्डर बनाएंगे। अब मैं सिंपल होल्डर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल होल्डर दिया मैंने। उसके बाद में हम बनाएंगे बॉल नोज, क्रिएट टूल, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, बॉल नोज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बॉल नोज, बॉल नोज पे गए, सिंपली डालो बॉल का डायमीटर ये 10, यहाँ पे टूल नंबर 1 और यहाँ पे लिख दो D10.0 बॉल नोज। ओके, और हम होल्डर सादा ही बनाएंगे, प्लस कर देंगे उसमें यहाँ पे। ओके, ये हो चुका है बॉल। हमने एनविल बनाया है और ड्रिल बनाया है, बॉल नोज बनाया है। अब हम बनाएंगे बुल नोज या फिर टिप रेडियस कटर। फिर ये टूल में जाएंगे, टिप रेडियस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे पहले कटर का डाया डालेंगे 10 mm और टिप रेडियस डालेंगे यहाँ पे 2 mm। जो भी कॉर्नर रेडियस हो वो आप यहाँ पे टिप रेडियस मतलब डाल के आप इनपुट कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी कॉर्नर रेडियस 1 है तो आप 1.0 डालिए, अगर 2 हो तो आप 2.0 डालिए। ये आप पे डिपेंड है, आपके कटर पे डिपेंड है। ओके, बाद में टूल नंबर, उसके बाद में इसका नाम, तो ये D10.0 बॉल नोज हो गया टूल का नाम। और होल्डर सिंपल ही बनेगा, तो ये बुल नोज 10.0 का बुल नोज। ओके, तो ये हो चुका है बुल नोज। इसको होल्डर हम सादा ही देने वाले हैं, तो ऐसे में यहाँ पे होल्डर दे दिए हैं। ओके, तो ये हमारा टिप रेडियस कटर बना के भी तैयार है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हम हमारे डेलकम सॉफ्टवेयर में कटर्स बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके दोस्त हो VMCNC स्टडी करने वाले उन्हें वीडियो शेयर कीजिए। और साथ ही साथ हमारे अभी डेलकम के रेगुलर वीडियो आने वाले हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के सारे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।